नमस्कार, हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होती है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। अक्सर लोग शरीर में लीवर और पेट की सफाई को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन किडनियां भी हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स हैं जिनकी समय समय पर सफाई करते रहना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि किडनियों में जब भी धीरे धीरे विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तो इसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है और फिर आगे चलकर अचानक किडनी से जुड़ी परेशानियां और बीमारियां सामने आने लगती है। जिस तरह दिल या लीवर में खराबी आने से व्यक्ति की जिंदगी को खतरा होता है, उसी तरह से किडनी में भी अगर खराबी आ जाए तो इससे इंसान की मौत भी हो सकती है। किडनियां इतनी जरूरी क्यों होती है और इनका स्वस्थ बने रहना इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? दरअसल किडनियां बॉडी में ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी कि खून की सफाई करने का काम करती है, ठीक उसी तरह जिस तरह पानी की सफाई आरओ करता है। खून की सफाई करने के लिए हमारी किडनियों में कई बार छन्नियां पाई जाती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। वह के साथ साथ हमारी किडनियों में भी विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ती रहती है, जिसका असर हमारे बालों, त्वचा और शरीर के दूसरे अंदरूनी अंगों पर भी पड़ता है। कई स्थितियों में किडनियों पर हुई डैमेज यानी कि UTI और सेक्सुअल वीकनेस को भी जन्म दे सकता है। जो लोग ज्यादा जंक फूड खाते हैं, बाहर की तली हुई या पैकेट में बन चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं, उनकी किडनियां जल्दी कमजोर होती हैं। खराब लाइफस्टाइल, धूम्रपान, शराब, बहुत ज्यादा गर्म और मसालेदार या बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाने से भी किडनियां डैमेज हो जाती हैं। इसके अलावा जो लोग रोज दवाइयों का सेवन करते हैं या ज्यादा मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते हैं, उनके किडनियों में भी आगे चलकर खराबी आने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। लंबे समय तक किडनी की सेहत को नजरअंदाज करते रहने से धीरे धीरे किडनियों से जुड़े कई रोग हो सकते हैं, जैसे कि किडनियों में सूजन आ जाना, किडनी स्टोन यानी कि पथरी, किडनी में किसी तरह की गठान और कुछ गंभीर बीमारी जैसे कि किडनी फेल। यह सभी किडनी की हेल्थ के प्रति लापरवाही बरतने के कारण आज तेजी से काम कर रही है। अगर कोई ज्यादा जंक फूड नहीं खाता, शराब आदि जैसी विषैले चीजों से हमेशा दूर रहता है, तब भी एक सामान्य घर के भोजन करने वाले व्यक्ति की भी किडनियां व्यक्त के चलते कमजोर होती रहती हैं। इसलिए समय समय पर किडनी की सफाई करना बेहद अच्छा होता है, ताकि लंबी उम्र तक हम स्वस्थ और निरोगी बने रहें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 बेहद असरदार होममेड रेमेडीज की, जिसे आप रोजाना या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार अपनी किडनियों को पूरी तरह डिटॉक्स कर उनमें जन्मे सभी विषैले पदार्थों को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। हमारी किडनियां जब पूरी तरह से साफ हो जाती हैं, तो यह पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगती हैं, जिससे हमें धीरे धीरे ज्यादा स्वस्थ और एनर्जेटिक महसूस होने लगता है। आइए सबसे पहले जानते हैं महीने में एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले नुस्खे के बारे में। कॉर्नसिल, आमतौर पर जब हम भुट्टा यानी कि कॉर्न खरीदते हैं तो इसमें से निकलने वाले छिलके और रेशे यानी कि बाल फेंक देते हैं, लेकिन भुट्टे के इन बालों में गजब की मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इनका इस्तेमाल ब्रेडर और यूनिटरी सिस्टम में किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, किडनी स्टोन, दिल की बीमारियां, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए भी किया जाता है। कॉर्न सिल्क में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स की मात्रा अधिक होती है, जो कि किडनी की सफाई के साथ साथ खून में बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी बेहद उपयोगी मानी जाती है। किडनी की सफाई करने के लिए कॉर्न सिल्क टी यानी कि चाय बनाकर पीना बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए सबसे पहले कॉर्न सिल्क यानी कि भुट्टे के बाल को घर में ही पूरी तरह सुखा ले। सूखने के बाद इनका रंग हल्का ब्राउन हो जाता है। इसके बाद लगभग 50 ग्राम कॉर्न सिल्क को 2 ग्लास पानी में 10 से 15 मिनट तक ढककर उबाल ले और छानकर किसी ग्लास या फिर पानी की बोतल में भरकर रख ले। स्वाद के लिए चाहे तो इसमें नींबू का रस भी मिलाया जा सकता है। इस तैयार ड्रिंक का 2 से 3 टाइम दिन में सेवन करें। खाना खाने के 30 से 40 मिनट बाद आपको सेवन करना है। अच्छे परिणाम के लिए इस प्रक्रिया को एक महीने में 1 से 2 बार या 15 से 20 दिन के अंतराल में दोहराते रहें। भुट्टे के बाल से बनी यह ड्रिंक किडनी की सफाई के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। जिस दिन आप इस ड्रिंक का सेवन करेंगे, उस दिन आपकी यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी सामान्य से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि आप उस दिन पहले के मुकाबले ज्यादा बाथरूम जाएंगे। किडनी डिटॉक्स प्रोसेस का ही एक और प्रोसेस है। इसके पहले इस्तेमाल से आपको अपने शरीर में हल्कापन महसूस होने लगेगा। तरबूज के बीज, तरबूज के बीजों से बनी चाय भी किडनी की सफाई के लिए बेहद फायदेमंद होती है। इसे बनाने के लिए ताजे और सूखे हुए दोनों तरह के बीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। लगभग 2 टेबलस्पून तरबूज के बीजों को ग्राइंड कर इसका बारीक पाउडर बना ले। उसके बाद 2 ग्लास पानी में तैयार तरबूज के बीजों का पाउडर डालकर इसे 5 से 6 मिनट बॉईल करें और ठंडा हो जाने के बाद इसका छानकर दिन भर में 2 से 3 बार सेवन करें। तरबूज के बीजों में विटामिन, मिनरल्स, मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा अधिक होती है। जिन लोगों को ज्यादा थकान, खून की कमी और कमजोरी की शिकायत होती है, उन्हें अपनी
अपनी रेगुलर डाइट में तरबूज के बीजों को जरूर शामिल करना चाहिए। किडनी की सफाई करने के साथ साथ तरबूज के बीजों से बनी है ड्रिंक डायबिटीज कंट्रोल करने, दिल की सेहत को बेहतर बनाने, हेल्दी स्किन और मर्दों में होने वाली सेक्सुअल कमजोरी को भी दूर करने के लिए फायदेमंद होती है। इस ड्रिंक का इस्तेमाल हफ्ते में एक बार किया जा सकता है। इसके अलावा मूली के पत्ते भी किडनी में जमे विषैले पदार्थों की सफाई करने के लिए काफी उपयोगी होते हैं। मूली के पत्तों को भी हम आमतौर पर फेंक देते हैं, लेकिन इनमें मूली से कई गुना ज्यादा पोषक तत्व मौजूद होते हैं। मूली के पत्ते एक बेहतर डिटॉक्स एजेंट के साथ साथ पाइल्स और पीलिया जैसी बीमारियों में भी बेहद लाभकारी माने गए हैं। हफ्ते में कम से कम 2 बार मूली के पत्तों का जूस पीने से किडनियां धीरे धीरे साफ हो जाती हैं और पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगती है। बताए गए सभी तरीके वैसे तो पूरी तरह सेफ है, लेकिन फिर भी गर्भावस्था के दौरान या डिलीवरी के 1 से 2 साल बाद तक इन नुस्खों को अवॉइड करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।